देहरादून के हाथी बड़कला में बीजेपी की दो दिनी कार्यकारिणी बैठक का समापन हुआ। बैठक के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया है, यानी कि बैठक में महाजनसंपर्क अभियान में उत्तराखंड में डोर टू डोर कैंपेन करने को लेकर बैठक हुई है। दिग्गज नेताओं की रैलियां करने का कार्यक्रम बनाया गया है। 9 सालों के अंदर देश के अंदर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए और जो आम सुविधाएं थी उन सुविधाओं से जो लोग दूर थे जिनको आवश्यकता थी, ये सारे के सारे काम पिछले 9 सालों में हर वर्ग के लिए केंद्र की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है। वो सारे के सारे काम आज जन जन तक पहुँच कर जन जन की खुशहाली, देश की खुशहाली का कारण बन रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली का कारण बन रहे हैं। उन सभी को महासंपर्क अभियान के कारण, महासंपर्क अभियान जो हमारी पार्टी ने लिया है जो पूरे जून के महीने भर चलने वाला है, उसमें घर घर जाकर, बूथ पर जाकर बूथ का सशक्तिकरण करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर लोगों ने जो स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है और उनका धन्यवाद भी करेंगे और उनके बीच में जाकर जो काम हुए उन कामों के बारे में भी बताएंगे। ऐतिहासिक काम है ये, काम हमारे तेजी से चलते रहें और जो हमारी सरकारें काम कर रही है, मोदी जी ने जबरदस्त काम किया है। हमारे यहाँ पर धामी जी उत्तराखंड में जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो जनता तक कितना लाभ मिल रहा है। दो फायदे हैं, एक तो हमारे बूथ सक्रिय रहेंगे, सघन हमारा लोगों के बीच में जाना होगा और लोगों का हम सब लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनका स्नेह लेने के बाद उनको जो योजनाएं दे रहे हैं कितना उनको लाभ हो रहा है इसकी जानकारी लेंगे। यही प्रजातांत्रिक पार्टियों का कर्तव्य है। तो ये हमारा नया नहीं है निर्देश,